ये विधानसभा का संभवत है ये आखिरी तो, लेकिन प्रतिपक्ष जिस तरीके से पूरे सदन की परंपराओं को दागदार कर रहा है, कलंकित कर रहा है, पूरे प्रदेश की जनता इनको दिख रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, प्रतिपक्ष में एकजुटता नहीं है, तय ही नहीं कर पा रहे कि किस मुद्दे पे हमको बोलना है। सुबह जब आए तो प्रश्नकाल में खड़े हो गए और मदन दिलावर को वापिस की मांग करने लगे, जबकि पहले ये तय हुआ था कि आप लोग माफी मांगोगे, फिर मदन दिलावर अगर माफी मांगेगा तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन उन्होंने वहां बाहर हाँ भरी कि हम माफी मांग लेंगे, हमारी से गलती हुई है, मदन दिलावर भी आके माफी मांग लेगा, लेकिन अचानक खड़े हो गए और हल्ला करने लग गए। अभी दूसरा कोई फोटोकॉपियां किसकी लहरा रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं और मुद्दा नहीं होने की वजह से ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पास में प्रदेश की जनता के मुद्दे और उनकी समस्याएं उठाने के लिए ये हाउस का फ्लोर होता है, जिसके पूरी तरीके से ये आज इन्हें पूरे 15वीं विधानसभा में नाकाम रहे हैं। और आपने कल देखा होगा कि किस प्रकार से इनकी फूट पूरे प्रदेश में उजागर हो गई। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री है, वो नहीं आई, उनके लोग नहीं आए, ये 7-8 हज़ार लोग मुश्किल से जुटा पाए, 3 लाख का वादा कर रहे थे, और देश के प्रधानमंत्री को पहली बार 70 साल के इतिहास में विपक्ष को इकट्ठा करके आवाज उठाने के लिए उनको ट्वीट करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री से हम अपेक्षा करते थे कि वो ट्वीट करके मणिपुर की हिंसा को रोका जाए, मुख्यमंत्री को वहां के मुख्यमंत्री को करते, देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते कि किसानों के लिए हम दुगुनी आय करने के लिए ये कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री महंगाई रोकने के लिए ट्वीट करते, देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति को ठीक करने के लिए ट्वीट करते, तो बात समझ में आती है। लेकिन जो मुद्दे लेकर के 2014 में आए थे, जो वादे करके आए थे, वो वादे हवा हवाई हो गए, और अब इनको अपनी स्टेट्स में जहाँ जहाँ चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ वहाँ केवल मुख्य प्रधानमंत्री अपने स्पीच दे रहे हैं, लोगों में जोश नहीं है, लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये जो 5-6 दौरे देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं यहाँ पर, उन सबको मिला करके और अकेले 9 अगस्त को जो आदिवासी गौरव पर्व हम मनाने जा रहे हैं बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम के ऊपर, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे, मैं समझता हूँ इन सब प्रधानमंत्री की 6 सभाओं में जितने लोग नहीं आए उतने वहाँ पर आने वाले हैं। आज जो प्रदर्शन रहा, राजेंद्र जी राठौड़ जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनकी कोई मान्यता नहीं है, और वसुंधरा जी से के ग्रुप से इनके और ज़्यादा जो है दूरियां बढ़ गई हैं, और कल भी देखने को मिला था, आज भी देख रहे हैं, आखिरी दिन था, इनको चाहिए था जो हमारे राजस्थान विधानसभा की परंपरा है उसके मुताबिक सारे लोग आते, फोटो सेशन होता, शाम को जो विधायक दल जो नेता होता है सदन का, वो हर वर्ष की भांति वो यहाँ पर आना देते, हर विधानसभा जो भी 14 विधानसभा का जो परंपरा रहा है उसको निर्वहन कर दे, लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो किसी का है नहीं, यहाँ तो जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा होती है, सरकार जो काम करती है वो बताती है और प्रतिपक्ष उसमें जो कमियाँ होती हैं वो बताता है, लेकिन आपने देखा होगा जनता के मुद्दों से कोई इनको वार्ता नहीं है। ये 5 साल में कोई ऐसा मुद्दा बना नहीं पाए ऐसा जो सरकार के खिलाफ हो, इसलिए ये इस तरीके की जो नौटंकी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये राजस्थान की जनता देख रही है। हम 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी, जो अच्छी योजनाएं दी हैं, जो गारंटियां दी हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके तो आपस में इतने जूतम फाक हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, आपस में इतने गहरे मनमुटाव हो गए हैं कि एक दूसरे को ये देखना भी पसंद नहीं करते, तो ऐसे में जनता को ये क्या संदेश दे रहे हैं, जनता के मुद्दों को क्या ये उठा पाएंगे, क्या ये आगे चल करके सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं, ये क्या उनके ऊपर क्या इनका विजन है, उस बात पे तो बात कर नहीं रहे हैं और नोटंकी कर रहे हैं, जो शर्मसार करने वाली बात है, जिसके लिए हम सब इनकी निंदा करते हैं।
कि इन्होंने राजस्थान की विधानसभा को परंपरा को कलंकित करने का काम किया। राजेंद्र गुढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ तो स्वतंत्र रहे, करे कौन मना कर रहा है, आरोप लगाया उन्होंने भ्रष्टाचार पन्ने निकाले तीन, कोई ऐसा हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं सुनी नहीं, ये तो सब काल्पनिक बातें मुद्दे बनाने की बातें हैं। ये भी कहा कि सरकार जेल भेज सकती है, इनके पास में मुद्दे नहीं है, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं उनको जनता सब देख रही है। ये कह रही है आपने हमारे लिए कोई किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात की हो, कोई महंगाई कम करने की बात की हो, कोई शिक्षा की बात की हो, रोजगार की बात की हो, तो आप बताइए ये कोई मुद्दे हैं क्या, ये कोई बातें हैं क्या, सब कपोल कल्पित है और नौटंकी है, जिसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं, जनता इनको पूरा जवाब दे। राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं कि कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस अशोक गहलोत की कांग्रेस है, डोटासरा जी एक जेब में, रंधावा जी दूसरे जेब में।